जो अंडा मांस खाएगा सीधे नरक में जाएगा, हाथ जोड़ कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे एवं बच्चे, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 20 मार्च 2021 को गुरु महाराज के इस कर्म भूमि सीकर के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ी दया कृपा गुरु महाराज की, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की हुई कि आप लोगों के अंदर प्रेरणा हुई, इच्छा जगी और आपका मन जो गृहस्थी में लगा हुआ था, दुनिया संवारने में लगा हुआ था, थोड़ी देर के लिए उधर से हटा और आप यहाँ सत्संग में आए। कहते यह सर आवत अट कठिनाई, सत्संगों में आना इस समय पर लोगों का बड़ा मुश्किल हो रहा है। दो कारण है, एक तो सत्संग मिलता नहीं है और दूसरा कारण यह है कि सत्संग के बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं हो पाती है कि सत्संग है क्या चीज। कथा भागवत प्रवचन तो जगह जगह होता रहता है, लोग सुनते रहते हैं, मन उसी को सुनता है, उसी में रमा रहता है, उसी की आदत बनी रहती है। तो जो इस शरीर का राजा मन बन गया, इस शरीर को उसी काम के लिए ले जाता है, वही कराता है। पहले के समय में तो बराबर सत्संग का कार्यक्रम जगह जगह लोग आयोजित करते ही रहते थे और सत्संग जब मिलता रहता था तब आज की तरह से आदमी यह देव दुर्लभ शरीर पा करके इतना दुखी नहीं था। हर चीज की जानकारी लोगों को सत्संग से मिलती रहती थी, तब यह शरीर आदमी का पापी नहीं था, इतना कामी, इतना क्रोधी, इतना लालची नहीं था, लोगों के अंदर सच्चाई थी, ईमानदारी थी, दया भाव था, सेवा भाव था, लोग परमार्थी थे, अपने शरीर के लिए ही सब कुछ नहीं करते थे, आत्मा के बारे में भी जानकारी रहती थी, परमात्मा के बारे में जानकारी रहती थी, तो आत्मा के लिए भी करते थे। इस आत्मा को परमात्मा तक जिसकी यह बूंद है, अंश है, वहां पहुंचाने की कोशिश करते थे। सम्राट गुरु के बारे में जानकारी थी, सम्राट गुरु की तलाश करते थे, उनकी भक्ति करते थे, गुरुमुखता लाते थे और लोग अपने घर इसी मनुष्य शरीर में, इसी मृत्युलोक में आने जाने लगते थे। आप बहुत से लोगों को तो अपना घर मालूम ही नहीं है,
आपका जहाँ सवेरा होता है और जहाँ शाम को आप पहुँच जाते हो, रात को जहाँ विश्राम करते हो, उसी को आप अपना घर मान लिए हो। लेकिन प्रेमियों, आप सोचो कि आप कुछ लोग इसमें ऐसे भी हो कि जो अपने बाप दादा के बनाए हुए मकान में रहते हो, उनकी जमीन जायदाद को जोते बोते हो, आप समझो उसका अन्न खाते हो। कुछ इसमें ऐसे भी हो जो बाप दादा की दुकान को करते हो। तो वो लोग भी यही कहते कहते चले गए कि यह घर मेरा, यह घर मेरा, ये मेरी जमीन, ये मेरी जमीन, ये मेरी दुकान, ये मेरी दुकान। सच पूछो तो मेरा यहाँ कुछ है ही नहीं, आपका कुछ यहाँ है ही नहीं। आप समझो प्रेमियों, इसी चीज को आप भूल चुके हो कि मौत भी एक दिन आएगी, इसको आप भूल चुके हो। जो सत्य है उसको भूल चुके हो, जो सत्य परमात्मा है उसको आप भूल चुके हो, और आप असत्य की दुनिया में फंसे हुए हो, झूठ की दुनिया में फंसे हुए हो, इस नकली दुनिया में फंसे हुए हो। अब आप हमको ये बताओ कि नकली चीज कहीं किसी के कोई काम आई है कि आप भी काम आएगी? जैसे तार परिवर्तनशील है, आज जो है वो कल नहीं रहेगा, कल है परसों नहीं रहेगा, ये परिवर्तनशील है। आपको भी जाना पड़ेगा इस दुनिया संसार से, आपको भी जाना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा दुनिया ये संसार। देखो आप एक से एक बलवान हुए, ताकतवर हुए, एक से एक आप ये समझो कि विद्वान हुए, जानकार हुए, राम जैसे भगवान, कृष्ण जैसे भगवान हुए, कबीर गोस्वामी जैसे संत हुए, सब मनुष्य शरीर में थे, लेकिन सबको छोड़ करके जाना पड़ा। इस मृत्युलोक का नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। तो मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। अब आपको आज सत्संग ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर ये मनुष्य शरीर मिला क्यों, जिसके लिए देवता तरसते हैं। थोड़े समय के लिए भी हमको मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? जिस काम को आप करने में इस समय लगे हुए हो, वे दूसरे के लिए कर रहे हो। कहते तो हो घर बना रहा हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, लेकिन आँख बंद होने के बाद वो दूसरे की हो जाएगी। सच पूछो तो ये है मनुष्य शरीर जो आपको मिला है, यानी समझो ये अपना काम करने के लिए मिला है। अपना काम क्या है? इस शरीर को जो चलाने वाली शक्ति जीवात्मा है, इसको अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंचाने का है। देखो बहुत मेहनत के बाद, बहुत तकलीफ के बाद, नरकों में न मालूम कितनी बार जाने के बाद, 84 में चक्कर काटने के बाद, न मालूम कितनी बार माँ के पेट में लटकने के बाद, अब यह अवसर आपको मनुष्य शरीर पाने का मिला है। सतलोक आपका घर है, सतपुरुष आपके पिता हैं, हमारे भी पिता वही, जितने भी देवी देवता, जितने भी अन्य समझो कि अन्य पिंड ब्रह्मांड के जीव हैं, इस मृत लोक में जितने भी जीव हैं, सब उन्हीं के अंश हैं, सबके पिता वो हैं, सतपुरुष हैं। तो जब तक वहाँ नहीं पहुँचोगे, उनके पास नहीं पहुँचोगे, तब तक आपको प्रेमियों कर्मों के अनुसार सजा झेलनी पड़ेगी, और मृत्युलोक में आपको आना भी पड़ेगा जैसे पहले आए। अब पहले भी आए, मनुष्य शरीर मिला, लेकिन रास्ता बताने वाले नहीं मिले, संत सदगुरु नहीं मिले, गुरु तो किया लेकिन सदगुरु नहीं मिले, मनुष्य शरीर के बारे में नहीं जानकारी हो पाई। कहा गया मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल, सदगुरु मिले तब बिया भेद खोज। सदगुरु जब मिलते हैं तब भेद को खोलते हैं, सदगुरु को पूरी जानकारी होती है। आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों, ये जितनी भी चीजें बनाई गई सब मनुष्य शरीर के लिए ही बनाई गई। सतपुरुष से जब ये निरंजन भगवान, काल भगवान, जिनको कहा गया मांग करके जीवों को लाए, तो वो समझ गए थे
कि ये स्वार्थी है। देखो हमारे जैसा राज्य जब मांग लिया तो लालची है, स्वार्थी है, तो हमारे जीवों को जल्दी ये छोड़ेगा नहीं। तो मसाला तो सब दे दिया लेकिन गुंजाइश रखा। जैसे कहते हो ना कि वस्त्र सारा दांव सिखा देता है लेकिन एक दांव अपने पास रखता है कि जिससे हमारे ऊपर अगर हमला करे तो हम उस दांव से इसको चित कर दें, गिरा दें। ऐसे ही सत्पुरुष ने एक दांव अपने पास रखा। वो क्या रखा? वो ये रखा कि जीवात्मा के डालने का रास्ता पिंड में रहा, उसको नहीं बंद कर सकते। माँ के पेट में सबसे पहले पिंड बनता है और 5 महीना 10 दिन का जब हो जाता है तब जीवात्मा उसमें डाल दी जाती है। अब बहुत पतला रास्ता है, आप ये समझो कि ज्यादा मोटा रास्ता होता तो भी वो ना पसंद करता। पतला रास्ता कोई ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आप देखो कहीं आप सुराख हो गया, कोई साड़ी खरीदते हो, धोती खरीदते हो, कोई आप कपड़ा खरीदते हो, हल्का फुल्का कटा हुआ है, कहते चल जाएगा। ऐसे ही आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि इतनी छोटी जीवात्मा को बनाया कि वही हाथी में भी, घोड़ा में भी, चींटी में भी, चींटी से भी छोटे कीड़ों में भी वही है कि जिससे इनकी जो व्यवस्था है काल की उसमें किसी भी तरह की बाधा ना आवे। अब इस तरह से पतले सुराख से डाला और यह भी सिस्टम बना के रखा कि उसी रास्ते से निकले और कोई रास्ता दूसरा बनाने का सोचा ही नहीं। मसाला ही सब मसाला दे दिया, जाओ तुम बनाओ। अब आप समझो कि मूर्ति बनी है और मूर्ति को कहीं तनिक सा अगर कटा रह गया तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, छिपा रहता है। ऐसे ही पिंड तो तैयार किया लेकिन जीवात्मा के डालने की जगह वो नहीं भर पाए। अब जितनी भी चीजें बनाई, सब किसके लिए बनाई? मनुष्य के लिए बनाई। देवी देवता भी मनुष्य पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं देवी और देवता, क्योंकि इस तरह का सिस्टम यानी समझो कि बनाया उन्होंने सृष्टि को चलाने के लिए। ऐसा ही मसाला दिया कि जिससे एक दूसरे से सब लोग जुड़े हुए रहें। आपको किसकी जरूरत है? हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, धरती की जरूरत है, आसमान की जरूरत है, सूरज चांद की जरूरत है। इसके बगैर आप स्वस्थ नहीं रह सकते हो, जी नहीं सकते हो, चल फिर नहीं सकते हो। तो इन चीज़ों को उन्होंने बनाया। अब ये कौन है? ये दिखाई नहीं पड़ते हैं आप, समझो हवा कहाँ दिखाई पड़ता है? आसमान जो आप देखते हो ये आसमान नहीं है, ये तो यानी एक तरह से धुंध बादल जैसा है, आसमान तो बहुत ऊपर है। ये सूरज जिसको आप देखते हो ये सूरज नहीं है, सूरज की परछाई पड़ती है, वो वापस होती है, तब ये रोशनी इतनी होती है, इसमें इतनी गर्मी है कि ऊपर से जब वहाँ पड़ता है चमकीली जगह पर तो गर्मी कुछ तो ख़त्म होती है लेकिन पूरी नहीं ख़त्म होती। तो ये किस में है? लिंग शरीर। आप किस में हो? 5 तत्वों के शरीर में हो। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्वों के शरीर में हो, 17 तत्वों के लिंग शरीर में हैं। उनको इन बाहरी आँखों से देख नहीं सकते हो लेकिन अभी आप समझो कि आप जमीन की सिंचाई आप बंद कर दो, आप पेड़ लगाना बंद कर दो, आप ये समझो कि पृथ्वी को खुश करना बंद कर दो और फल लगना, फूल लगना बंद हो जाए तो सुगंधी तो उनका भोजन है, किसका? देवता का। अब देवता आप ये समझो कि भोजन देवताओं को कौन कराता है? आप कराते हो, आप खिलाते हो। अब आपको कौन खिलाते हैं? देवता खिलाते हैं। आपको कौन चलाते हैं? देवता चलाते हैं। धरती, पृथ्वी देवता कहा गया, सूर्य देवता कहा गया, आकाश देवता कहा गया, अग्नि देवता कहा गया। देखो पूजा कराते हैं लोग, जो वैदिक रीति को मानते हैं वो लोग पूजा कराते हैं, देवताओं को खुश करते हैं। अब देवता इस समय पर जाड़ा गर्मी बरसात क्यों नहीं देते, समय पर काम क्यों नहीं करते हैं? इसलिए
कि वेद मंत्र मालूम नहीं है। वेद मंत्र जब पढ़ते हैं, इनका नाम से इनको पुकारते हैं, आवाज़ देते हैं और आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है, तब ये देखते हैं और देख करके दे देते हैं कि ये रो रहा है, पर्दा पड़ा है। आप ये समझो कि ये दीवार बनी हुई और दीवार के उधर आप रहो और इधर कोई हो उससे कोई चीज़ मांगो, कैसे देगा? देखेगा तब ऐसे दे देगा। इसी तरह से बुला नहीं पाते हैं तो ये यानी समझो कि मदद करते नहीं हैं। जैसे सत्संगियों आप देखो कि सुमिरन ध्यान और भजन जो बताया गया सब में ध्यान लगाने को बताया गया, आप ध्यान लगाते हो, ध्यान लगा करके सुमिरन करते हो, जिसके नाम को लेते हो उसके रूप को याद करते हो, लेकिन बीच में क्या आ जाता है? दुनिया आ जाती है। इसीलिए कहा गया कि जिसके नाम को लो उसके रूप को याद करो, बीच में और कुछ न रहे। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि देवता जब नाराज हो जाते हैं तब ये परेशानी आ जाती है। जब सत्संग लोगों को मिलता रहता था या सबकी दिव्य दृष्टि सतयुग में खुली हुई थी, तब लोगों को जानकारी रहती थी कि किस तरह से हम इनसे कोई चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो सतयुग में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। सतयुग योगी सब विज्ञानी करिहर ध्यान तरह वो प्राणी, सतयुग में सब अपने घर आते जाते रहते थे। ऊपर के जो लोक हैं उनमें भी आते जाते रहते थे, सतयुग में कोई दिक्कत नहीं थी। तो आप ये समझो कि जीवात्मा निकल करके जाती है, शरीर नहीं जाता है। और जीवात्मा जब ऊपरी लोकों में जाती थी तब उनकी शक्ति उसमें आ जाती थी। जैसे आप यह समझो कि सबसे पहले कौन लोक है, इन तीनों देवताओं के जो प्रमुख देवता हैं उनका लोक है। हैं तो 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, ये शुरू में बनाए गए इनके भी लोक हैं। लेकिन जो खास तौर से तीन यानी समझो देवता जिन्होंने सृष्टि की रचना किया उनमें तीन हैं। जैसे आप समझो कि शिव सबसे नीचे है, शिव का लोक सबसे नीचे है, शिवलोक। अब शिवलोक में जो पहुंच जाते हैं आप एक समझो शिव की शक्ति उसमें आ जाती है। ब्रह्मा के मुंह से क्या निकलता है? वेद निकलता है। तो वेद के ज्ञाता हो जाते हैं। ज्ञाता किसको कहते हैं? जानकार। और वेद में सारा संविधान लिखा हुआ है, मनुष्य के लिए सब लिखा हुआ है, किस तरह से रहो, इस तरह से खाओ, इस तरह से पहनो, इस तरह से चलो, इस तरह से तुम पूजा पाठ करोगे तब तुमको उपलब्धि होगी, सब उसमें लिखा हुआ है। अब जो आप ये समझो कि ब्रह्मा और शिव के लोक में पहुंच जाने से शिव का काम क्या है? संहार करना, खत्म कर देना। संहार करने की शक्ति आ जाती है। आप समझो कि जिस लोक में ये पहुंचते हैं उनकी शक्ति ब्रह्मा के लोक में, फिर सृष्टि रचने की शक्ति आ जाती है, फिर विष्णु के लोक में पहुंचने से पालन करने की शक्ति आ जाती है। इस तरह से शक्तियाँ शरीर में आ जाती हैं आदमी के। अब शरीर में ही ये दिल और दिमाग जिसको कहते हो, बुद्धि कहते हो, यह सब रहता है, उसी तरह से बुद्धि उसकी हो जाती है। तो सतयुग में सब लोग आप ये समझो कि शरीर में जानकारी रखते थे, बुद्धि रखते थे, और ये देवता भी खुश रहते थे, क्योंकि आज की तरह से लोग यानी अन्याय अत्याचार नहीं करते थे। ये जो काट कूट करते धरती को खोदते, ये जो धन के लालच में धरती को खोदते थे, पेड़ों को काट देते, ये जो प्रकृति है इसको नुकसान पहुंचा देते, उस समय नहीं पहुंचाते थे। तो वो खुश रहते थे। जब खुश रहते थे तब आप ये समझो कि कोई भी बाधा नहीं डालते थे, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। आप समझो कि एक बार किसान खेत को जोत करके बीज को डाल करके चला आता था, और जब ज़रूरत पड़ती थी खुश होकर के बादल पानी बरसा दिया करते थे, फिर ज़रूरत पड़ती थी फिर बादल आ करके बरस जाया करते थे, फिर ज़रूरत पड़ती थी फिर बादल आ करके बरस जाया करते थे। आप ये समझो कि ये खरपतवार और ये जो यानी रह जाता है ये नहीं रहता था, निराई गुड़ाई नहीं करनी पड़ती थी, बीज इतना शुद्ध रहता था कि ये खरपतवार उसमें आता ही नहीं था, पैदा ही नहीं होता। गिन लेता था कि यह फसल
120 दिन में तैयार हो। 120 दिन जिस दिन पूरा हुआ चला गया, काट करके लेकर के चला आया। तो सतयुग में तो कोई दिक्कत नहीं थी, सतयुग योगी सब विज्ञानी सतयुग में हर तरह के लोगों को जानकारी रहती थी। तो आप ये समझो कि लेकिन जब ये युग बदलते गए तो बदलाव आता गया कर्मों के अनुसार। मोटी बात आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि इस समय पर यानी ये जो कलयुग है, कलयुग में आदमी अपने मनुष्य शरीर के पाने का मतलब ही नहीं समझ पा रहा। पहले उस समय पर लोगों को जानकारी भी रहती थी कि किस तरह से यानी मनुष्य की उत्पत्ति होती है, मनुष्य कैसे बनता है। अब सतयुग आप ये समझो कि सतयुग की बातों को लोग जानते नहीं हैं, वेद को पढ़ नहीं पाते जिसमें ये सब लिखा हुआ है, इसलिए ये अनभिज्ञ हैं। पहले जानकारी जब रहती थी तो सबका सम्मान करते थे, सबकी इज्जत करते थे, सबको पूछते थे जब संत आए तो संतों ने सब भेद खोला, सब बताया कि जितनी भी चीज़ें हैं, देवी देवता जितने भी एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के लिए बनाए गए, सब शरीरों में जो श्रेष्ठ शरीर मनुष्य शरीर है उनके लिए यह सब मसाला तैयार किया गया है। देखो प्रेमियों, आपको नहीं पता है कि सूर्य चंद्रमा आने का क्या काम है। सूर्य चंद्रमा का काम ऐसे आप देखते हो, उजाला कर देता है रात में, सूरज गर्मी दे देता है, सूरज अगर निकलता रहता है तो फसल को कीड़े नहीं लगते हैं, शरीर रोगी नहीं होता है, विटामिन सी डी मिलता रहता है, सूरज की रोशनी जब शरीर के ऊपर पड़ती रहे, यही जानते हो, वैज्ञानिक यही जानते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों से ही पूछो, डॉक्टरों से ही पूछो कि पिंड माँ के पेट में बनता कैसे है, ये बच्चा बनता कैसे है, तो बहुत कुछ बताते हैं कि भाई रज और बीज यानी इकट्ठा होता है तो बच्चा बन जाता। पूछो रज बीज कहाँ से बनता है, ये नहीं बता पाए। रज बीज कौन बनाता है, चंद्रमा और सूर्य बनाते हैं, इनमें घर्षण होता है और घर्षण हो करके यानी निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव किसको कहते हैं, ठंडे को कहते हैं, पॉजिटिव किसको कहते हैं, गर्म को कहते हैं, गर्म और ठंडा दो तार होता है। तो आप देखो कि ये दोनों अलग अलग है, रवि और रजनी, रवि किसको कहते हैं सूरज, और रजनी किसको कहते हैं रात को। तो रवि और रजनी ये दोनों इकट्ठा नहीं रहते, और रजनी में रात में ही चंद्रमा निकलते हैं, और आप ये समझो दिन में सूरज की रोशनी मिलती है, सूरज दिखाई पड़ते हैं। तो ये जब मिलते हैं तो घर्षण होता है, उस घर्षण से यानी जैसे निगेटिव पॉजिटिव तार ऐसे जोड़ दो इसे तो स्पार्क होता है, उस स्पार्क से औरतों में यानी समझो रज बनता है, पुरुषों में बीज बनता है। रज और बीज इकट्ठा होते हैं, कहाँ इकट्ठा होते हैं, माँ के पेट में ये इकट्ठा होते हैं। छह तरह की शक्तियाँ यानी समझो इसको बना करके बच्चे को तैयार करती हैं माँ के पेट में, वही बाहर भी निकालती हैं। आप समझो प्रेमियों कि जन्म शक्ति का काम क्या है, रज और बीज को इकट्ठा कर देना, मिला देना, अष्ट का काम है हिस्से अलग कर देना, परनामी शक्ति का काम क्या है उसके ऊपर आवरण पर्दा झिल्ली लगा देना, वृद्ध शक्ति का काम क्या है पिंड को बाहर बड़ा बना देना, यह सब अन्य समझो कि जो शक्तियां माँ के अंदर होती हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये जो पांच तत्व हैं उन तत्वों से इसकी उत्पत्ति होती है। उनमें कमी हो जाती है तो बच्चा कमजोर हो जाता है, किसी का दिल छोटा हो जाता है, लीवर नहीं बनता है, किसी का हाथ पैर छोटा हो जाता, आँख कान ये सब यानी छोटे हो जाते हैं, अंधा पैदा हो जाता, लूला लंगड़ा पैदा हो जाता है। इसलिए संयम और नियम सिखाया जाता है कि संयम और नियम से रहो कि जिससे बच्चा पेट में आवे तो ठीक से बन जाए। तो ये पांचों तत्वों से और ये वृद्ध शक्ति यानी समझो हवा से बढ़ती है, बच्चा बढ़ता है, फिर जन्म परिणामी वृद्ध और क्षीर, क्षीर शक्ति का काम क्या है, अंग बना देना। मृत्यु शक्ति का काम क्या है, माँ के पेट से बच्चे को बाहर निकाल देना। 9 महीना टाइम लगता है, 9 महीना से कम में कोई बच्चा नहीं पैदा होता है। तो आप ये समझो कि इस तरह से मनुष्य के शरीर की बनावट है, उत्पत्ति है इसमें,
अब आप समझो कि जब बच्चा पैदा होता है तो शाकाहारी खून रहता है। अब शाकाहारी खून अगर जीवन भर रहेगा और संयम नियम का पालन करेगा तो स्वस्थ रहेगा, और अगर इसके अंदर मुर्दा मांस डाल लेगा, गलत चीज़ों को डाल लेगा तो खून बेमेल हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां शरीर के अंदर आ जाएंगी, कामी क्रोधी स्वभाव हो जाएगा। उदाहरण दे करके बताऊंगा आपको। देखो ब्रह्म, ये जो जानवर होते हैं ये मनुष्य से ज़्यादा कामी क्रोधी होते हैं। कौन? जो मांस खाते हैं, जो शाकाहारी हैं, जो पिंड से पैदा होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। जैसे ये गाय भी, गाय का भी बच्चा झिल्ली में पैदा होता है, मनुष्य का बच्चा झिल्ली में पैदा होता है, झिल्ली में जो पैदा होते हैं पिंडज कहलाते हैं। अब दोनों में अंतर जरूर होता है, क्योंकि आपकी जीवात्मा यहाँ आज्ञा चक्र पर बैठी हुई है, 6 चक्र है यहाँ पर बैठी हुई है, दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, उनके 6 चक्र नहीं होते हैं, हृदय चक्र उनका होता है, जीवात्मा उनकी यहाँ रहती है, इसलिए वो ऊपर ऐसे सिर करके आसमान नहीं देख सकते, पलट करके ऐसे पीछे नहीं देख सकते, घूम करके ऐसे नहीं देख सकते। आप देखो गर्दन पूरा नहीं घूमता है, कुत्ता बैल ये सब जो होते हैं, ये बैल वगैरह ऐसे जब चल पड़ते हैं, भैंस चल पड़ती है तो वो इधर उधर ऐसे घूम के देखती है कि कौन आ रहा है, पीछे कुछ नहीं, चल पड़ी। आप ये समझो ऐसे खड़े होकर के, जैसे आप खड़े होकर के ऐसे ऊपर आसमान देख सकते हो, नहीं देख सकते। यहाँ जो उनकी जीवात्मा रहती है वो शरीर को ऊपर के अंगों को चलाती है, इसीलिए उनके बुद्धि नहीं होती है, दिमाग नहीं होता है, उनके चित्र से चिंतन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप समझो कि उनके अंदर इच्छा नहीं जगती है। कौन सी इच्छा जगती है? स्वभाव वश इच्छा जगती है कि स्वभाव वश खाना चाहिए, आदत बन गई, इसीलिए जो छोटा बच्चा होता है जानवरों का उसको दूध पीना नहीं आता है, तो उसको पकड़ करके ले जाते हैं गाय के भैंस के थन के नज़दीक, ऐसे जब उसको लगाते हैं मुंह में डालते हैं तब वो पी पाता है, जब सुरम पैदा होता है, आप ये समझो। लेकिन जो शाकाहारी होते हैं आप समझो कि उनमें क्रोध नहीं आता है और काम की वासना भी ज़्यादा उनमें नहीं होती है, जो मांसाहारी होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। जानवर जैसे कुत्ता है, आप देखो कि कुत्ता क्रोध ही ज़्यादा होता है, कामी भी है, पगलाता है ना, साल में एक बार तो घर छोड़ देता, खाना पीना बंद कर देता है। आप ये देखो प्रेमियों कि एक कमरे में आप 4 बैल बंद कर दो, चारा डाल दो, रात भर खाएंगे, जुगाली करेंगे, गोबर करेंगे, सुबह दरवाज़ा खोलोगे आराम से निकल जाएं। तो एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो, रोटी डाल दो, रात भर रोटी भी खाएंगे और भूखेंगे, छी पूँ घों पों की आवाज़ सुनाई पड़ती रहेगी। जब सुबह होगा दरवाज़ा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी की पूंछ कटी हुई, किसी के पैर से खून बहता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्रोधी है, नोचेंगे एक दूसरे, आपको समझने की जरूरत है, ये कमी उनके अंदर है। लेकिन संयमित होते हैं, आपको दवा की ज़रूरत पड़ती है और दवा की जानकारी के लिए आपको वैद्य को डॉक्टर को खोजना पड़ता है, लेकिन उनको दवा की जानकारी रहती है। किस चीज़ की जानकारी रहती है? ये कुदरती चीज़ है कि खाना बंद कर दो, भूख लगे तभी खाओ, कोई तकलीफ हो गई है तो खाना बंद कर दो, खाना बंद कर देते हैं, कहीं घाव लग गया, कहीं कोई जानवर ही मूछ लिया तो चाट चाट करके कुत्ता ठीक कर लेते हैं। आप देखो प्रेमियों आई समझो, ये कुत्ते का ही देखो उदाहरण देख कर बतलाता हूँ आपको। आदमी को यानी समझो कि लालच इतनी बढ़ जाती है खाने पीने की कि पेट को नहीं देखता है, जबान के स्वाद के लिए ही खा पी करके आया है, मीठा रख दो, बढ़िया चीज रख दो, खा जाता है।
लेकिन कुत्ता यानी खा पी करके आया तो बढ़िया से बढ़िया चीज डाल दो तो सूंघता है, सूंघ के छोड़ देता है। बहुत करेगा उठा के ले जाएगा, छिपा करके रख देगा, जब भूख लगेगी तब खाएगा। तो नियम का पालन करता है कि नहीं? मनुष्य को नियम का पालन करना चाहिए। नियम यही कहता है कि जब भूख लगे तब खाओ, जाओ पहले सुबह उठ करके खारिज कर आओ। आदमी पैर सहलाता रहता है, बैठा रहता है, जाता नहीं जल्दी, लेकिन कुत्ता बंधा हुआ है उसको अगर लेटरिन महसूस हुई जाने का है तो रोने लगता है, बोलने लग जाता है। अब आजकल तो कुत्ता पालते हैं ना, ये जो बूढ़े लोग हैं रिटायर हो जाते हैं तब ये बहू क्या करती हैं, कुत्ता ही करवाती हैं। सुबह सुबह उठ करके कहती हैं, पिताजी डैडी अरे ये देखो कुत्ता, ले जाओ जरा इसको टट्टी करा लो, कुत्ता ही घुमाते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है प्रेमियों कि कुत्ता यानी समझो कि संयम नियम का पालन करता है तो भी जानता है। और आदमी संयम नियम का पालन करता है, 12 महीने में 1 महीना पगलाता है कुवार में, और आदमी देखो हमेशा पागलपन में रहता है, उसको पागलपन हमेशा सवार है। संयम नियम का पालन यानी ये जरूरी होता है। जब संयम नियम का पालन होगा तभी ये शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर को स्वस्थ रखना ये जरूरी है कोई भी काम करने के लिए। आप चाहे बिजनेस करो, चाहे खेती करो, चाहे नौकरी करो, चाहे पढ़ाई करो, जो भी करो उसके लिए शरीर को स्वस्थ होना चाहिए। दिल दिमाग बुद्धि सही होनी चाहिए। दिल दिमाग अगर नहीं काम करेगा किसी भी काम में सफल नहीं होगी। नौकरी भी मिल जाएगी लेकिन निकाल बाहर कर दिए जाओ, दुकान भी खोलोगे नहीं चलेगी। शरीर ही जब साथ नहीं देगा तो गृहस्थी कैसे चला पाओगे। इसलिए संयम और नियम का पालन करना यह सिखाया गया, ऋषि मुनियों ने बताया, सब नियम बताया। आज बताने का आप समझो कि समय नहीं। तो यह मनुष्य शरीर यह समझो कि बेश कीमती है, इसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता है, इतनी कीमती यह चीज है। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, इसको खाने पीने मौज मस्ती में ही आप समय को अपने खत्म कर दे रहे हो। आपने मौत को भूले हुए हो, ये नहीं मालूम है कि हमको कुछ समय के लिए सांसों की पूंजी मिली है, जैसे खत्म होगी इस शरीर को हमारे ही घर से हमारे ही परिवार के लोग हमारे ही बनवाए गए मकान के दरवाजे से बाहर निकाल देंगे, और पड़ोसी कहने लग जाएंगे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जलाओ नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, और शमशान घाट ले जा करके अनि समझो इसको मुक्ति दिला दें। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति संस्था व सरकार से कोई भी चंदा चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव।
गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव।